ओहो आप भूख लेके जा रही हैं, तो वहीं जला के हाथ सेक लीजिएगा। थोड़ी ठंड भी हो रही है, मौसम भी ठंडा है, और मैं कह रहा हूँ आधी जलाइएगा, आधी कल काम आएगी। मैं कह रहा हूँ एक आदमी रख लूँ 300 रुपए पढ़ने के लिए, पढ़ के सुनाएगा, वो किताब का भी पैसा देंगे, पढ़ने वाले का भी। मैडम आप वही है क्या जो 365 दिन में 436 किताबें पढ़ती हैं? यू आर अ बुक लवर, आई नो यू या आपने किताबों से भरा ट्रक खाई में फेंका था। गुड मॉर्निंग पीपल, सुबह का दिन है और बज रहे हैं 11:00। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तैयार हो चुके हैं, मेरी पूजा हो गई है। आज मैंने कोको को आराम से बैठ के यहाँ पे खाना खिला दिया है। कोको खाना नहीं खा रहा था, मतलब खाता है लेकिन हाथ से खिलाओ तो ज्यादा बेटर खाता है। तो और ये जो है कोको के खाने पे पूरी नजर। और इसने बीच में आज जो कोको का खाना था ना, उसके बीच में जब मैं खिला रही थी ना, तो उसके साइड से इसे मुंह मार के इसने ले लिया, इससे कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन मैंने इसको डांटा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत बच्ची है। और ये रही मेरी चिट्टी जो मेरे पीछे पीछे घूम रही है या फिर मुझे आवाजें दे रही है, जिसको कुछ नहीं मिलेगा, मोटी हो गई है, मोटा हो गया बच्चा मेरा। और अभी अविनाश तैयार हो रहा है, अविनाश तैयार होता है तो मैं आपसे मिलवाती हूँ। ये रहा मेरा कुकड़ा कोको, खाना खा लिया था कोको ने तो खाना खा लिया। और बाहर का दिन भी आपको दिखा देती हूँ, बारिश का तो बहुत जबरदस्त मौसम हुआ है, आई डोंट नो होगी कि नहीं। हाँ सुबह हुई है बारिश। हाँ अभी भी हो रही है, मुझे लगा था नहीं हो रही है, अभी भी हो रही है बारिश। तो बारिश अच्छी हो रही है, बंद कर देती क्योंकि बारिश अंदर आने की संभावना बढ़ जाती है। देखती हूँ अविनाश किधर है, भी आ जाऊं? नहीं, बेबी टॉवल में खड़ा है। मना कर रहा है, बाद में मिलवाती हूँ। मैं भाभी से बात करने लगी थी और अचानक उसका फेस मास्क मेरे सामने आ गया, काले रंग का लगाया हुआ है। देखती हूँ कुछ बोल नहीं पाएगी क्या? मेरी भाभी ने फोन काट दिया। एक बार और लगाती हूँ, देखती हूँ। अरे मिठी मम्मी कहाँ है? मम्मी से मिलवा, पकड़ मम्मी को। मम्मी भाग गई। पकड़ ना मम्मी को, कहाँ है? मम्मी ने दरवाजा लॉक कर लिया। मम्मी ने काला मास्क लगाया हुआ था फेस पे। अच्छा दादी कहाँ है? दादी सो रही है। दादी अभी सो रही है? हाँ। उठी हुई थी अभी तक? मेरी क्लास चल रही थी तो 10-15 मिनट पहले ही सोई है वैसे तो। ठीक है। Hi guys, welcome back to our channel. छुपी हुई थी तुम्हारे। This is the life of a blogger. कैमरा कहीं से भी आ सकता है। Hey guys, welcome back to our channel. एक बार बार करना। To our channel. मैं चुंदा है। Good morning कहो बेबी। Good morning कहना जरूरी होता है ब्लॉगर को। उसके बाद कुछ नहीं कहते ना। Good morning कह के कैमरा लेके घूमते रहते हैं। और ये सोचते रहते हैं अब कहना क्या है। आप लोगों को क्या पता ये ब्लॉगर कितने दुखों से गुजर रहा है। ये कैमरा ऑन कर लेता है, इसको समझ में नहीं आता बोलना क्या है, फिर एक गिनती पड़ता है उल्टी 100, 99, 98। कभी कभी ये ब्लॉगर को मैंने दीवार से सर मारते भी देखा है कि बोलूं क्या, कैमरा तो ऑन है। अभी नेक्स्ट क्या करना है बेबी? दोस्तों ब्लॉगिंग इज अ वेरी टफ जॉब, बी डेली ब्लॉगिंग आप इमेजिन नहीं कर सकते। इससे देखो लड़की कितनी पतली हो गई, वेट लूज कर लिया, सोच के कि अब ब्लॉग में करना क्या है, ब्लॉग में करना क्या है। चलो इन बाहर चले। तो दोस्तों हम लोग कहीं जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वो एक जगह है, उस जगह पे हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं। ओहो आप बुक लेके जा रही हैं, तो वहीं जला के हाथ सेक लीजिएगा। थोड़ी ठंड भी हो रही है, मौसम भी ठंडा है, किताब वहीं जला के हाथ सेक लीजिएगा क्योंकि पढ़ने का तो वक्त आपके पास है नहीं। तो मैं कह रहा हूँ आधी जलाइएगा, आधी कल काम आएगी, ठीक है? आधी कल जलाएंगे। तमीज़ी मत करो, मैं पढ़ती हूँ। मैं कह रहा हूँ एक आदमी रख लूँ 300 रुपए पढ़ने के लिए, पढ़ के सुनाएगा, वो किताब का भी पैसा देंगे, पढ़ने वाले का भी, ठीक है? तमीज़ी मत करो। अरे चाबी दो, गाड़ी नहीं उछल रही। गाड़ी उछल के जाएगी क्या? अरे चाबी ये रही ना, नहीं मान रही ना गाड़ी। मैडम आप वही हैं क्या जो 365 दिन में 436 किताबें पढ़ती हैं? ओह नो, यू आर अ बुक लवर, आई नो यू या मैं पढ़ती हूँ, स्लो रीडर हूँ। आपने किताबों से भरा ट्रक खाई में फेंका था, आप वही हो ना मैडम? मौसम अच्छा है नहीं, तुम मजाक जो बना रहे हो, मौसम देखो बारिश हो रही है, ये लो क्या देखो दोस्तों,
और अभी आज जो हो रहा है ना, आज बहुत तेज बारिश होगी। ये मैं अभी से प्रेडिक्ट कर रही हूँ, तुम देखो अब देखते जाना। बाय द टाइम आई थिंक घर पहुंचेंगे तब बहुत ही तेज शुरू हो जाएगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि घर के हम लोग अंदर पहुंच जाए उसके बाद शुरू हो, लेकिन प्रेडिक्शन ये है कि अभी होने ही वाली है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के तो मुझे लग रहा है आज घर के अंदर भी होगी। जहाँ जहाँ हम जाएंगे, किचन में, बाथरूम में, सब जगह होगी। जिस तरह से घर के हालात हो रहे हैं, लग रहा है अंदर जल्दी बारिश होने वाली है। जिस तरह से सीलन ने अपना रूप पकड़ा हुआ है ना, और टूट रही है दीवारें। इतना फोर्स क्यों डालना पड़ता है शब्द ढूंढने के लिए? वही ना, प्रॉब्लम है ना। तुम एक काम करो, तुम एक डिक्शनरी लेके चला करो ना, जैसी बात हो। एक भाई साहब, एक दो मिनट देना जरा। हाँ ये था भाई साहब, ढूंढ लिया मैंने। और जो ड्रॉर है, हमारे ड्रॉर ना छूट गए हैं, आप उनको बंद करो। अरे रैटाटुइल का चूहे का पॉइजन लेके घूम रहा है। अगर आप ड्रॉर्स बंद करो धक्का मार के, वो एक सेकंड के बाद दोबारा खुल जाता है। दो ड्रॉर ऐसे हो गए हमारे, और वो इतना गुस्सा आता रहा मेरे को कि फिर मैं जोर लगाना बंद कर देती हूँ, फिर मैं आराम से बंद करती हूँ, लेकिन ये खुल रहा है। तो हमारे घर पे इतना अच्छा इफेक्ट हो गया कि हमने दो डायरेक्टर को बोल दिया हॉरर फिल्म बना लो घर, क्योंकि आपको खाली कैमरा लगाना, चीजें अपने आप खुलेंगी धीरे धीरे। खाली आपको बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है पीछे। हाँ पता है, जो भी आता है ना घर पे, वो डर जाता है कि अपने आप कैसे चीज खुली, उनको नहीं पता कि बंद नहीं होगी। हेलो मोमोली, हेलो हेलो मोमोली से बोल रहे हैं? आवाज ही नहीं आ रही। मुझे लगता है अगर वो नहीं आ, तुमको आज मोमोज भेजेंगे तो तुम उनकी दुकान पे जाके बनाओगे आज मोमोज। हाँ बेबी, तुम्हारी बात का जवाब तक नहीं दे रहे वो मोमोज वाले। इतना अच्छा मौसम हो रहा है। हाँ अरे उन्होंने तुम्हारे मुंह पे थूका है। खुद लेके आता हूँ, तुम चलो ऊपर, मैं मोमोज लेके आता हूँ, तुम खाओगी? मैं क्यों खाऊंगी? अच्छा आठ के आठ पीस मेरे। हमने डिसाइड किया था कि हम पिक्चर साथ में देखेंगे। राटे ले रहा है बेबी। तो जी थोड़ा बारिश का मौसम है, और आज मैं सोच रही हूँ अविनाश को थोड़े से पकौड़े बना के खिला दूँ, और आप लोगों को भी बहुत पसंद है जब मैं कुछ बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं बना ही लेती हूँ। और उसकी तैयारी मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने वो रख लिया है बेसन, आलू प्याज, और अब शुरू करूंगी मैं पकौड़े बनाने। और साथ में साइड पे दीदी आप रख दोगी चाय, ठीक है? चाय रख देना। तो पकौड़े बनाने के लिए दोस्तों क्या करना है, किचन में ही आती मुझे क्या पता। पकौड़े बनाने के लिए दोस्तों हम पहले डालेंगे उसमें नमक का है। नमक अलग से कर रखने लग गई हो? ये लीजिए, नमक अलग से था इधर में, अब मुझे पता नहीं था। ये रहा नमक स्वाद अनुसार। इसमें थोड़े डालेंगे हम अजवाइन ताकि खराब ना हो, और थोड़ी डाल देंगे हम हल्की सी लाल मिर्च, वो भी आपकी मर्जी है। एंड वी आर डन। दीदी थोड़ा लहसुन देना मेरे को, लहसुन देना दीदी। थोड़ा सा हम डालेंगे साइड पे लहसुन, साइड पे नहीं डालेंगे, मतलब इसको डालना तो उसी में है, लेकिन थोड़ा सा पीस लेंगे दोस्तों। लहसुन डालने से थोड़ा सा पकौड़ों का टेस्ट अच्छा आ जाता है। यहाँ पे तेल गरम होने लग गया है और यहाँ पे लहसुन पीस रहा है। तो दोस्तों ये हमारा तैयार हो गया है मसाला, मतलब बेसन। खैर इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा लहसुन, अब मैं डालूंगी ये सारा भर के। अब इसे आलू थोड़े ज्यादा मोटे पड़ते हैं, पर कोई बात नहीं है, हार के आगे जीत होती है। मैं इतने टाइम के बाद कुछ बना रही हूँ ना कि खुद भी अजीब सा लगता है, लेकिन अभी आप लोग चाहते हो कि मैं रेसिपीज बनाऊँ, क्योंकि मैं तो डाइट पे रहूंगी तो मैं तो खा नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं रेसिपीज बनाऊँ तो आप मुझे बता दो। अभी अविनाश को बुला के फिर खिलाते हैं। ये निकाल रही हूँ हमने फर्स्ट लॉट एक ही बार में। ये निकला सेकंड लॉट एक ही बार में। देखा ऊपर से थोड़ा सा चाट, वो चाट मसाला, एंड इट्स रेडी। बन गया। मैं बुला रही हूँ अविनाश को। बेबी बेबी
आ रहा है इतने दिनों के बाद। अरे तूने कहा था तुम्हारा पकौड़े खाने का मन है, उल्टा सीधे मोमोज वगैरह ये सब कर रहे थे। नहीं मोमोज तो मैं मंगाऊंगा ही, लेकिन कल मंगाओगे लेकिन ये तो सरप्राइज दे दिए। खा के बताऊं मैं खिलाऊं, गरम गरम कुछ खिलाऊं कि थोड़ा ठंडा वाला खिलाऊं? ना गरम खिलाओ ना ठंडा, बीच का खिलाओ। बीच का खिलाओ, ये लगाया फिर भी गरम है, ध्यान से गरम है। कैसा लगा भाई? अरे ऐसा लगा सालों के बाद ऑक्सीजन मिली है। ठीक बना है? बहुत अच्छा बना है, कितने महीनों बाद पकौड़े खाने को मिले, मजा आ गया। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको बोलो कि ये कुकिंग करती रहे तो मेरा भी फायदा होता रहे। आप लोग भी खाओ, ये लो। बहुत टेस्टी बने, बहुत टेस्टी बने, आउटस्टैंडिंग। वेदर ने और ज्यादा टेस्टी कर दिया। वेदर भी ऐसा है ना, तो मैंने सोचा अरे 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 पसीना आ रहा था तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए बना दूं पकौड़े। अभी बैठ के आराम से तुम खाओ, काम करो और मैं अपना टीवी देखूंगी। थैंक यू। आप बेबी 2025 में बनाऊंगी, अगर लोग बोलेंगे ना मेरे को बनाने को तो मैं बनाऊंगी। अब अगले पकौड़े 2025 में मिलेंगे। चल चाय भी आ रही है तुम्हारी, आओ। चलो जी, पकौड़े चाय के बाद रात हो गई, खाना भी खा लिया और रात को भी और एकदम कमाल की बारिश। मैंने तो आज ये प्रेडिक्शन पहले ही कर दी थी कि बारिश होनी है बहुत तेज, और बहुत ही तेज हो रही है। लेकिन तुमने प्रेडिक्शन भी दोपहर में करी थी ना? लेकिन मैंने बोला था ना कि आज ये हो जाएगा, तुम देखो जरा बारिश, इट इज गोइंग टू बी फ्लडेड ऑल ओवर मुंबई। ऐसा मत बोलो, ये क्या बोल दिया जोश जोश में? ज्यादा बोल दिया। हाँ बोलो, सॉरी सॉरी, लेकिन होगा। बारिश में है वो एक बात है, और इससे मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी। अविनाश तुमने इसको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, इसने कोको को काटा और ये मैं होने नहीं दूंगी। होने क्या नहीं दूंगी, अब तो काट लिया ना, काट लिया तो अब देखो ना कहां बैठी है काटने के बाद, अब मिलेगा मौका प्यार। अरे सॉरी बोल रही है ये, सॉरी कहीं से नहीं बोल रही बेबी, अभी लेके आऊंगी अभी काटेगी कोको को, सॉरी बोल ही नहीं रही है। सॉरी बोल रही है मेरे को तू है कैंडी, सॉरी बोल रहा है मेरे को, सॉरी बोल रहा है, पूछ ला रही है, सॉरी बोल रही है, आ जा। सॉरी नहीं बोल रही, हरामखोरी कर रही है। आ जा आ जा। अच्छा आ जा, चल मम्मा के पास आ जा। आओ आओ मम्मा पास आ जा। बच्चा नहीं पा रहा ना, देख अब गिरे या उठे, मैं तो एक हाथ से उठाऊंगा, नीचे तो उठाऊं कैसे, खुद ही बैठ गई। अरे भारी हो गई है ना खा खा के। यहाँ बैठ जा, नहीं नहीं खुजली वुजली नहीं मिलेगी, मसाज वसाज नहीं मिलेगी। अरे चेरू भी आया, आ जा आ जा आ जा, आ क्यूटी पाई, आ जा मेरा हाथी, आ जा मेरा हाथी, आ जा मम्मा, आ जल्दी आओ, इधर आओ, इधर आओ, दिखाओ आपको कुछ दिखा रहा है, इधर आओ, यहाँ पे देख क्या पड़ा है, इधर इधर मैं दिखाऊंगी वहाँ पे क्या पड़ा है, इधर। आप बनेगी कहानी, आप बनेगी रात की कहानी जब मेरा हाथी मेरे पास बैठेगा। ओके अच्छा अच्छा, पूछ पूछ ना, पूछ देख रहे। तो जब थोड़ी देर हम लोग यहाँ बारिश का मजा लेंगे, यहाँ बैठेंगे, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, जब तक तेज रहेगी तब तक तो हम यहाँ रहेंगे, और बाकी आप लोग को मिलते हैं कल। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज समावरा सेठ एंटरटेनमेंट। मेरी बीबी कितना सुंदर लग रहा है देखो जरा, आज नहाई है ना, मेरी गुड़िया कल, मेरी डॉल है, कल जैसे घूम के आएगी ना सुबह से कीचड़ में, पता नहीं चलेगा ये वही कुत्ता जो कल रात को ब्लॉग में मिला था। हाँ वो तो अभी इसको भेज दो, बताएगी तुम्हें।